बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह की फ़ज़ल और करम से। मैं भी ठीक हूँ। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है बकरियों पे। आज मैं आपको अपनी बकरियाँ दिखाऊँगी और जो हमने कुर्बानी के लिए बकरा पाला है वो भी आपको दिखाऊँगी। तो चलें आपको दिखाती हूँ मैं सारी बकरियाँ और वेलकम भी करती हूँ अपने चैनल पर। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। ये हैं जी हमारी 5-6 बकरियाँ और एक है बकरा जो कि हमने कुर्बानी के लिए पाला है, और 2 बकरियों के बच्चे भी हैं, बहुत क्यूट से और बहुत प्यारे से। सुबह का वक्त है और बकरियों को बेचारियों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वो अपना घास चरने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा भूख की वजह से वो इधर उधर देख भी नहीं रही, मज़े से घास अपना खा रही हैं। गांव के हर घर में बकरियां जो हैं वो पाली जाती हैं और अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं वो बकरियों को बेच के पूरी की जाती हैं, और बकरियों का जो दूध होता है उससे चाय भी बनाते हैं और चाय भी बहुत अच्छी होती है। और सबसे बढ़कर कुर्बानी के लिए जो बकरा पालते हैं वो खुद ही पालते हैं गाँव वाले, वो बाहर से मंडी से नहीं ख़रीदते, खुद ही उसे पालते हैं। बहुत अच्छा अच्छा उसे खाना खिलाते हैं ताकि बकरा जो है वो बहुत हेल्दी हो। ये है जी हमारी वाइट और ब्राउन कलर की बकरी, ये भी बहुत अच्छी है। और इससे एक आगे है जो इससे बड़ी है, ये फुल ब्राउन बकरी है और ये छन-छन वाली है। इसके पाँव में ये छन-छन है, जब ये चलती है तो छन-छन की आवाज़ आती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और ये है जी एक क्यूट सा बकरी का बच्चा, बहुत ही प्यारा सा, डरते नहीं है वैसे, ये बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। ये जो क्यूट सा बेबी है ना बकरी का, ये बहुत चालाक है, ये बहुत ही मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से भाग जाता है ये, फिर भी हमने इसे पकड़ लिया है। और ये भी वैसे भाग ही जाता है लेकिन कभी कभी ये हाथ आ भी जाता है, ये उससे भी ज़्यादा क्यूट है। हमारे पास सिर्फ ये 2 ही क्यूट क्यूट से बच्चे हैं बकरियों के। अब ये तो जा रहा है अपनी मम्मा के पास, जैसे इसकी मम्मा है वाइट और ब्लैक और वैसे ही ये खुद है। और वो जो ब्राउन है उसकी मम्मा भी बिल्कुल ब्राउन ही है, माँ भी और बच्चा भी दोनों सेम सेम है, बहुत ही प्यारे कलर के। और ये है जी हमारा कुर्बानी का बकरा जो कि हमने खुद ही पाला है और हम इसकी कुर्बानी करेंगे। वैसे देखने में तो लगता है कि ये टक्कर मारेगा लेकिन है ये बहुत ही अच्छा, टक्कर नहीं मारता। छन-छन वाली बकरी है हमारी, और ये एक और बकरी, ये उनके क्यूट क्यूट से बेबी, मज़े से ये घास चर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ये 1200 बेबी हमारे पास है, हमने इसे उठाया हुआ है जो कि कोशिश कर रहा है कि मुझे नीचे उतारो, चलें जो उतार ही देते हैं, अब भाग ही जाएगा ये, कहाँ ठहरने वाला है हमारे पास। लेकिन हमने काबू कर लिया है इसे, हम नहीं जाने दे रहे अभी इसे कुछ देर के लिए। बच्चे भी खेल रहे हैं बकरी के बच्चों के साथ, उन्हें भी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं बकरी के, क्योंकि है ही बहुत क्यूट। पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं, ये बहुत ही चालाक से होते हैं। अब हम इस क्यूट से बच्चे को घास खिलाते हैं, देखते हैं इसका फेवरेट कौन सा घास है। हम 3 मुख्तलिफ किस्म के से घास देंगे, पहले ये दिया, नहीं जी ये वाला घास पसंद नहीं है, ये नहीं खाना, अब ये वाला खाना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है इसे। अब देखते हैं एक और, वो भी खाता है या नहीं खाता घास, ये तो इसका बहुत फेवरेट है। अब हम देखते हैं तीसरा घास, ये वाला, ये भी फेवरेट नहीं है, बस कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा सा जो कि वो खा रहा है, क्यूट सा बेबी। अब हम जाते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू।